एवरीवन, दिस इज प्रियांग, वेलकम टू इंडिया से ऑनलाइन शॉपिंग। गाइस, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं प्रेस्टीज के इस डबल इंडक्शन कुकटॉप की, जिसका मॉडल है PDIC 3.0। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हम आपको इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके दिखाते हैं और इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं। ये प्रेस्टीज कंपनी की तरफ से इंडक्शन कुकटॉप है जो कि डबल कुक स्टेशन के साथ आता है। काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है कि उनको एक साथ में कढ़ाई और कुकर में साथ में बनाना होता है, तो ये फाइनली प्रेस्टीज कंपनी ने डबल इंडक्शन कुकटॉप लॉन्च कर दिया है। ये देख सकते हैं गाइस आप इसके बॉक्स पर, ये डबल कुक स्टेशन आपको इसमें मिल जाता है। इजीली आप इस प्रोडक्ट को क्लीन कर सकते हो। ये पावर सर्वर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। डुअल हीट सेंसर इसमें दिया हुआ है और इसमें प्री लोडेड इंडियन मेन्यू कुकिंग ऑप्शन भी मिल जाते हैं। 1 ईयर आपको इस प्रोडक्ट पे वारंटी मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं, एक साइड का इसका जो कुकिंग ऑप्शन है वो 2000 वॉट तक जाता है और एक साइड का 1200 वॉट तक जाता है। बात करें गाइस अगर इसकी MRP का, तो इस पे आपको बॉक्स पे 11000 समथिंग कुछ MRP मिल जाता है। ये देख सकते हैं आप, 11495 रुपीज़ का MRP मिल जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप इस प्रोडक्ट को कहाँ से परचेज करते हैं, तो आपको कितने डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट मिल जाता है। गाइस, 3200 वॉट आप देख सकते हैं, ये जो इंडक्शन है, डबल इंडक्शन कुकटॉप है, दोनों साइड का मिला के टोटल 3200 वॉट का है। चलिए फटाफट से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको अंदर से कैसा पैकेजिंग मिल जाता है, और इस इंडक्शन को दिखाते हैं कि लुक वाइज ये इंडक्शन कैसा दिखता है और क्या फीचर्स के साथ में ये इंडक्शन आता है। ये देखिए गाइस, फाइनली ये इंडक्शन जो है वो अनबॉक्स हो चुका है। इसके अंदर आपको एक ये मैनुअल देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर वारंटी कार्ड भी रहता है। अभी हम इंडक्शन के डिजाइन को देख लेते हैं। ये एक डबल टू बर्नर कुकटॉप की जितना डायमेंशन वाला मॉडल है, और इसमें आप देख सकते हैं ये आपको साइड में ये ग्रिल मिल जाता है, रिंग मिल जाता है सेफ्टी के लिए, ताकि अगर आप कुछ अगर बना रहे हैं और वहां से कुछ गिरता है तो वो इसी के अंदर जो है कलेक्ट हो जाता है, तो आप इजीली उसको क्लीन कर सकते हैं। इसके बीच में आपको कोई पार्टीशन भी नहीं दिया है, तो ताकि आप इजीली इसको क्लीन कर सके। ये वाला जो साइड है ये 2000 वॉट का है और ये साइड 1200 वॉट का है। इसमें इनफ स्पेस दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको इसमें कढ़ाई और कुकर भी रख के दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप इसमें इजीली 5 लीटर का कुकर रख सकते हैं, अभी मैं आपको इसमें 3 लीटर का कुकर रख के दिखा रहा हूँ और साथ में कढ़ाई भी रख के दिखा रहा हूँ। ये जो है काफ़ी कम जो है स्पेस कंज्यूम करता है। आप इसमें बड़ा कढ़ाई और इससे बड़ा कुकर भी रखेंगे तो ईजिली जो है आप इसमें कुकिंग कर सकते हैं। ये वाला इंडक्शन मेनली उन लोगों के लिए है जो कि ट्रांसफरेबल जॉब वाले हैं, हर जगह जो है गैस LPG कैरी नहीं कर सकते और कुकिंग घर पर ही करते हैं, या फिर स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, उनको भी कुकिंग घर पर ही करना है, तो ये इंडक्शन बेसिकली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है कि जो दो चीज़ें एक साइड साथ में बना सके और उनको कम समय लगे। कंट्रोलर्स की बात करें गाइस अगर, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको ये चाइल्ड लॉक ऑप्शन मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है, एक जो है पावर का मिल जाता है, अप एंड डाउन करने के लिए एक बटन मिल जाता है, और ये फंक्शन का बटन प्रेस करके आप यहाँ पे जो इसमें कुछ प्री लोडेड मेन्यूज हैं वो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये एक प्री लोडेड मेन्यू डोसा चपाती का दिया हुआ है, डीप फ्राई के लिए दिया हुआ है, प्रेशर कुकर के लिए दिया हुआ है। इस तरीके से इसमें कुछ प्री लोडेड मेन्यू दिए हुए हैं। आप अगर अपना मैन्युअली सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो टेम्परेचर है उसको अप डाउन कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से सेकंड साइड भी दिया है, बट इसमें जो है हाईएस्ट 1200 वॉट तक है एंड दिस साइड आपको 2000 वॉट तक मिल जाता है। प्लग की बात करें अगर गाइस, तो इसमें आपको 16 एम्पियर का प्लग मिल जाता है। नीचे की साइड में आपको इसमें फैन देखने को मिल जाते हैं सेपरेट दोनों कुक स्टेशन के फैंस के लिए। गाइस, एक मैं सलाह देने चाहूंगा जितने भी इंडक्शन यूजर्स हैं, जब तक ये फैन ऑफ ना हो जाए तब तक इंडक्शन का जो स्विच है वो ऊपर से ऑफ ना करें। इससे जो इंडक्शन की लाइफ है
वो जल्दी डैमेज नहीं होती और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। गाइस अगर आप भी प्लान कर रहे हैं एक इंडक्शन कुकटॉप खरीदने का या फिर डबल इंडक्शन कुकटॉप की तरफ स्विच करने का, तो आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं। गाइस हमारा एक वेबसाइट है www.indiaseonlineshopping.com। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बाय लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का जो डिलीवरी है वो ऑल इंडिया के लिए अवेलेबल है। इस प्रोडक्ट को आप कैश ऑन डिलीवरी में भी परचेज कर सकते हैं और हमारे पास सारे प्रीपेड ऑप्शंस भी हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। कैश ऑन डिलीवरी के केस में गाइस हम 1000 रुपीज पहले एडवांस लेते हैं, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो डिलीवरी पे के समय लेते हैं। अगर आप वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहां सिर्फ आपको प्रीपेड ऑप्शन ही मिलता है। कैश ऑन डिलीवरी में परचेज करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करना है, जिससे हम आपका जो ऑर्डर है वो प्रोसेस कर देते हैं, आपसे 1000 रुपीज एडवांस लेते हैं और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो हम आपसे डिलीवरी के समय लेते हैं। इस प्रोडक्ट पे 1 ईयर का वारंटी आता है, जो कि आप ऑल इंडिया कहीं से भी क्लेम कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है वो बिल के साथ आता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।